Hi guys, this is my working site. So you can just see it. Here I work. It's me. Let me show you my face. Hi. My dirty hands and my dirty face. There are three guys which come with me. They are sitting there. I am at top of the cooling towers of supercritical unit 7A8. And this one is the old plant. ये पुराना plant है. यहाँ पे 6 unit चल रही हैं और इसके 4 reservoirs हैं. 2 छोटे छोटे ये reservoir हमारे plant का है. और ये railway line आ रही है उधर से. दूर से जो दिख रही आती हुई वो दो टीवों के बीच आ रही है वो railway line है. ये ash pond है पुराने वाला. ये हमारा ash pond के लिए बन रहा है structure. और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिखाता हूँ तुम्हें. ये पॉन्ड है, इससे पानी लेते हैं और ये फिल्ट्रेशन प्लांट में भेज देते हैं. यहाँ से फिर ये स्टोरेज टैंक है, फिर आगे ये भेज देते हैं. ये फर्स्ट 3-4 तरह के हैं. ये अलग अलग तरह का फिल्ट्रेशन होता है, क्लोरिफिकेशन, स्लज रिमूवल और ऑक्सीडेशन. कई तरह की स्टेप्स होती हैं. ये जो है ये दिख रहा है, ये हाफ हाइट का है. मतलब ये दिख रहा है ये हाफ है हाइट में, पूरा नहीं है. इसके आधा आधा नीचे हो रहे दिख रहा है उतना. और क्या, एंड हमारा प्लांट दिखाता हूँ नया वाला. वो नज़दीक से दिखेगा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, मतलब काफ़ी अच्छा दिखेगा. इट विल बी गुड. आज मैं चढ़ के आया हूँ. मेरी ड्रेस तो दिख रही होगी आपको. ये सेफ्टी बेल्ट है, ये हेलमेट है और सेफ्टी शूज. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा कोयल हैंडलिंग प्लांट का स्ट्रक्चर है. कोयला आएगा वहाँ से, रेलवे लाइन आएगी और फिर ये इससे रेलवे पे छोटा दिख रहा है बिल्कुल. ये है ऑक्सिलरी पावर प्लांट, मतलब इससे स्टार्टिंग में काम आएगा ये. और काफी बड़ा स्ट्रक्चर है. किस्मत बदलती देखी है. अभी आपको आइडिया हो जाएगा मैं कितना ऊपर हूँ. एग्जैक्ट आइडिया आपको हुआ नहीं होगा अभी तक, लेकिन अब हो जाएगा आपको जब आप इसे देखेंगे. ये जो 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कहाँ पे कोयला आएगा. और ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर हैं नीले रंग के, ये हैं बॉयलर, बॉयलिंग यूनिट्स हैं. और इसके बगल की जो बनी हुई है छत जो दिख रही है प्लेन, यहाँ टर्बाइन है. और ये जो काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं इन दो ट्रेन्स के बगल में, ये ESP यूनिट है. ये चिमनी है, दोनों की चिमनी एक ही ऊपर देख रहे होंगे आप. दो दिख रहे होंगे इसमें अलग अलग. दोनों चिमनियों का धुआं अलग अलग पाइप से आएगा. और आपको मैं ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर. ये जो हरे हरे ड्रम दिख रहे हैं ये डीमिनरलाइज्ड वाटर के हैं. 3 ड्रम ये रहे. और ये जो टैंक के बगल में, गंदे से पानी के टैंक के बगल में ये बिल्डिंग दिख रही है, ये DM वाटर बनाने की बिल्डिंग है और DM प्लांट. मतलब ये GSS है हमारे यहाँ का सब स्टेशन. और वो जो मोटे मोटे पाइप दिख रहे हैं 3 जो सीधे जा रहे हैं, वो पाइप नहीं है, वो वायर हैं. होलो वायर मतलब अंदर से खाली मोटे मोटे पानी के टैंक, वो जो पाइप आते हैं बीसलपुर वाली लाइन जैसे, वैसे मोटे मोटे पाइप हैं. तो उस पाइप से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, अंदर से खाली होता है वो पाइप के सरफेस पे. तो जैसे ये वायर है, सिर्फ इसकी जो ऊपर की सतह है इस पर बिजली फ्लो होगी, अंदर बिजली नहीं जाएगी. अंदर के खाली हो या भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उनको खाली रखा गया है. और ये सर्विस बिल्डिंग है हमारी जहाँ हम बैठेंगे. काफ़ी सारे हैं स्ट्रक्चर. ये टैंक देख रहे हैं यहाँ पे, कूलिंग टावर है यहाँ. पानी ठंडा होगा बस, मेन काम इसका है. वापस इस बिल्डिंग से चला जाएगा. CW पंप हाउस और ACW पंप हाउस है यहाँ पे. यहाँ से ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर भेजा जाएगा. और ठंडा पानी, मतलब ठंडा मतलब इतना ठंडा नहीं है, उसका टेम्परेचर 18 डिग्री आसपास रहेगा. तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं जितना आप सोच रहे हैं. बर्फ़ जमी हुई ऐसा कुछ नहीं है. और ये स्विच यार्ड है, यहाँ से 2 लाइन से आ रही है. देखो आगे आपको खम्भे दिख रहे होंगे,
जाते हुए वो लाइन्स जा रही हैं। ये आगे जो गांव दिख रहा है ये ठुकराना है, जो सड़क जा रही है जहाँ पे, वो लास्ट बाउंड्री है हमारे प्लांट की, इस तरफ नए वाले प्लांट की। वो अब वो CHP यूनिट आप आराम से देख पा रहे होंगे, चिमनी के पीछे जो प्लेन सड़क बनी हुई है बिल्कुल RCC डली हुई है, वो वहाँ CHP यूनिट है, वहाँ कोयला आएगा ऐसे धीरे 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 धीरे, वहाँ से लास्ट तक कोयला आएगा, फिर आकर ये जो तीन दिख रही है मिल्स, इन मिल्स में जाएगा। 7 मिल्स हैं टोटल, 3 इस तरफ 4 उस तरफ, एक बॉयलर में 7 मिल्स होती हैं, और 7 मिल से 4 जगह होते हुए एक मिल से 4 पासेज हैं, एक इनलेट होता है और 4 जाने के रास्ते होते हैं। पाउडर फॉर्म में कोयला पिस के जाएगा बिल्कुल। और अब मैं कितनी हाइट पर हूँ इसका एग्जैक्ट आइडिया आपको लगेगा इस कूलिंग टावर को देखने के बाद में। आ रहा हूँ। तो ये कूलिंग टावर है दूसरा, तो एक और बिल्डिंग हमारी वो है, वो मेन गेट बन रहा है अभी, तो कूलिंग टावर है, तो मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, इधर वाले के ऊपर खड़ा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको। और क्या दिखाऊँ अभी, मैं किस रास्ते से आया हूँ और कैसे आया था ये आपको दिखाने के लिए मैं सीढ़ियाँ दिखाऊँगा। यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो उन सीढ़ियों से चढ़ कर के मैं आया हूँ। वैसे यहाँ लिफ्ट थी पहले, और एक और तरीका है उससे भी आ सकते हैं ऊपर, लेकिन मैं सीढ़ियों से चढ़ के आया हूँ। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, जो ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं इसमें, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ मैं। भेल बना रही है इसे, BHEL भेल, आइए भेल के ऑफिस हैं, साइट ऑफिस वगैरह, और रिजर्वायर आप देख ही चुके हैं पहले। तो हेलो 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 हाय, आई एम ट्राइंग टू बी फनी बट आई एम नॉट, आई एम क्वाइट स्केयर्ड एट दिस हाइट, क्वाइट स्केयर्ड, नॉट क्वाइट, अ लॉट ऑफ स्केयर, लॉट ऑफ फियर इज देयर इन माई माइंड। By shooting this video, I'm getting a little bit relaxed, feeling something to do. I am at this much height. Can you see? आप देख सकते हैं मैं कितनी हाइट पे हूँ, कितनी ऊंचाई पे हूँ। हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा ज़्यादा बोलने के लिए, ताकि हर व्यक्ति समझ सके। और ठीक है, so let's close this video. Bye. Here you can see my site where I work. Usually I don't work because ज़्यादातर मैं आता नहीं हूँ, क्योंकि मैं छुट्टियों पर रहता हूँ, और कभी कभी आता हूँ तो मैं इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाता हूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन।